आज हम बना रहे हैं केरला स्टाइल चिकन रोस्ट। हम ले रहे हैं 1 किलो चिकन, छोटे पीसेस में काटा है। हम मिलाते हैं इसमें चिली पाउडर और ये 1.5 चम्मच है, 1/4 हल्दी, स्वाद अनुसार नमक, और चिकन को मैरिनेट करेंगे। अच्छे से मलिए और अच्छे से मैरिनेट करके इसे हमें बाहर छोड़ना है। और चलिए हम मसाला बना लेते हैं। डालते हैं 6 लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया, 1/2 चम्मच जीरा, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 चक्री का फूल, 8 लौंग और 1 चम्मच सौंफ, 2 तेज पत्ता। भून लेते हैं। जब भी हम साउथ इंडियन कुजीन बनाते हैं और ख़ासकर केरल, तो खड़े मसालों का इस्तेमाल होता है, जिसे पाउडर करके इस्तेमाल किया जाता है। इससे खुशबू अच्छी आती है, स्वाद अच्छा निकल के आता है। तो मसाला अच्छे से रोस्ट हो गया है, हम इसे बाहर निकाल रहे हैं और बनाएंगे इसका एक फाइन पाउडर। सेम कढ़ाई में हम लेंगे तेल, और तेल लेंगे हम 150 ml, 6 इलायची और 4 लौंग कूट के। अब मिलाएंगे 400 ग्राम कटा हुआ प्याज, अच्छे से भूनेंगे। अब मिलाते हैं कड़ी पत्ता, और कड़ी पत्ता थोड़ा सा हाथ से अच्छे से तोड़ के डालेंगे। हाथ से तोड़ के डालने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। बहुत आसान रेसिपी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगना। प्याज हमारा ट्रांसल्यूसेंट हो गया है, और यहाँ पे हम डालेंगे 4 हरी मिर्च, इसे मोटा काट के डाला है हमने, और इसे मिक्स करते हैं और पकने देते हैं। प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो गया है, और इस स्टेज पे हम मिला देंगे मैरिनेटेड चिकन, और धीरे धीरे करके मिलाइएगा। केरला में रीजन टू रीजन रोस्ट चिकन भी वैरी करता है, और उसके नाम भी होते हैं रीजन के अनुसार, अपने क्षेत्र की अपनी खूबी। अब इसे हम पकने देंगे, अच्छे से चला लेंगे। चलिए, और इसी बीच में अब हम अदरक और लहसुन को कूटेंगे। हम आम दस्ते में अदरक और लहसुन को कूट लेते हैं, आप सिलबट्टे में भी करके डाल सकते हैं। अच्छे से हमने लहसुन और अदरक को कूट लिया है, और अब हम मिला देंगे भूनते हुए चिकन में, और स्वाद यहीं पे है, चला लेते हैं। आँच को स्लो रखेंगे और भूनेंगे, और इसे भून भून के पकाना है, और ढक्कन लगा के पकाएंगे, और बीच बीच में हिलाना ना भूलें। हमने छोटे पीस किए हुए हैं, जल्दी पक जाएगा। अब यहाँ पे मिलाएंगे मसाला जो हमने बनाया था, और ये हम मिलाएंगे 1.5 चम्मच, चला लेते हैं। बहुत एरोमेटिक मसाला है, डालते ही खुशबू आई। वापस से हम मिलाएंगे थोड़ा सा कड़ी पत्ता तोड़ के, और ये डिश कढ़ाई में भून के बनी है, फ्राई होके बनी है, इसलिए इसका नाम रोस्ट है, क्योंकि रोस्टिंग की जो प्रोसेस है वो कढ़ाई में हो रही है, मसालों के साथ, तेल के साथ। चिकन हमारा करीब करीब अच्छे से पक गया है। ढक्कन लगाते हैं, 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे, इसके बाद सर्व करेंगे। ढक्कन हटाते हैं, हमारा चिकन बनके तैयार है। अभी हम ढक्कन लगा रहे हैं, गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे, और कम से कम हम वेट करेंगे 2 से 3 मिनट का। ढक्कन हटाते हैं, लास्ट में हम डालेंगे नींबू का जूस, अच्छे से मिला लेते हैं, और आइए सर्व करते हैं चिकन रोस्ट। केरला चिकन रोस्ट बहुत ही सिंपल रेसिपी बना के दिखाई आपको। उम्मीद करता हूँ आप बनाएंगे और हमें बताएंगे आपको ये कैसी लगी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को यूँ ही लाइक करते रहिए, फॉलो करते रहिए, हम आपके लिए अलग अलग रेसिपियाँ लेके आते रहेंगे। और रेसिपी से रिलेटेड किसी भी तरह के क्वायरी के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल से अश्वनी कुमार सिंह पर मुझे मैसेज कर सकते हैं।